Hello, good afternoon, students. Day before yesterday, yesterday only we shared some of the videos regarding the chapter number one. So I hope you must be getting easily understood through these videos. But still, if you are facing some problems, you can WhatsApp me or you can show me on give your doubts on the WhatsApp. My WhatsApp number is 9355-260-221. I again repeat 9355-260-221. So that you could have, if any doubt, you can individually mark me. But do not leave your doubts unentertained, because of later on you will get the problem of that. So today we're gonna start with the new characteristics of business. Now this again you can say the next topic, characteristics of business. बिजनेस का मीनिंग हमने पहले भी डिसाइड किया, दैट्स इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, समथिंग इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इन दैट पर्टिकुलर केस, जो भी हमारे गुड्स और सर्विसेज हम लोग सेल करते हैं, इन कंसिडरेशन फॉर मनी, ऐसा हमारा आता है टू अर्न द लाइवलीहुड, टू अर्न द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, सो दैट वी कुड बियर द एक्सपेंसेस. तो इसी सब चीज़ों के लिए बिजनेस को किया जाता है. तो वेरी वेल, देखो किसी भी चीज़ के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किसी भी चीज़ के जो फीचर्स होते हैं, उसकी जो नेचर होती है, बेसिकली उसके मीनिंग से डेराइव की जाती है. सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेसेस, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना, मैनुफेक्चर करना. बिजनेस के अंदर वी हैव टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज. और प्रोक्योरमेंट का मीनिंग क्या होता है बेटा? सब कई बार क्या होता है कि सम बिजनेसेस ट्राई टू गेदर, कि वो लोग क्या करते हैं कि हम लोग बिजनेस में गुड्स डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं एंड देन वी सेल. फॉर एग्जांपल, आपके पापा का या किसी भी नियर बाय क्लोथिंग का बिजनेस है, उनका एक शॉप है. लेट्स टेक एन लेमैन रेवाड़ी की. अगर आप रेवाड़ी में किसी मॉल पे भी जाते हो, यू गो टू सम ऑफ द ब्रांड ऑफ न्यूमेरो इनो, जहाँ से आप जीन्स वगैरह कुछ लेने जाते हो. सो दैट इज द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स. दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग द जीन्स, दे आर डायरेक्टली बाइंग दैट प्रोडक्ट एंड सेलिंग दैट प्रोडक्ट टू यू. सो दैट इज द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो एंटरप्राइजेस ईदर मैनुफैक्चर और एक्वायर्स देम फॉर प्रोड्यूसर. सो एक्वायर्स मीन्स कि या तो वो लोग खुद बनाते हैं मैनुफैक्चर्स, या फिर वो किसी से परचेज करते हैं टू बी फर्दर सोल्ड टू कंज्यूमर और यूजर्स. आप लोग जो कंज्यूमर्स हो, जो यूजर्स हो, उनको फर्दर सेल करने के लिए गुड्स को हम लोग खरीदते हैं. गुड्स मे कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स ऑफ डेली यूज और कैपिटल गुड्स. अभी यू विल बी स्टार्टिंग इन अकाउंटेंसी टू व्हाट इज द बेसिक कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स होते हैं बेटा, देखो एक तो डेली यूज हो गया, वी हैव टू बाय शुगर, सॉल्ट, डेली यूज सोप एंड ऑल दीज आर डेली यूज आइटम. सम आर कैपिटल गुड्स आर बेसिकली द बिग गुड्स, दे आर ह्यूज अमाउंट इज इन्वॉल्व, लाइक मशीनरी, ऑल दी टेक्निकल प्रोडक्ट्स, दे आर कैपिटल गुड्स. आपके जितनी भी असेट्स होते हैं, इधर दैट इज अ फर्नीचर, कंप्यूटर, दैट ऑल थिंग आर योर गुड्स. Services may include facilities offered to consumers, business firms and organizations. So services mein aapko jo jo facilities milti hai, being in a consumer, when you are going to stay in a 5-star hotel, so you are being offered, you are being rendered some services by the hotel. So aap logo ko unhone jo services di hai, render means jo facilities unhone aapko provide kari hai, that you are been living in a luxurious room, there is a pool and all, so that is basically called as services. उसके बाद आपको कई सारी सर्विसेज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को भी दी जाती है, लाइक कुरियर सर्विस. अगर मेरी कंपनी है, आई एम मैन्युफैक्चरिंग पेन, और मेरी पेन का जो प्रोडक्शन तो यहाँ हो रहा है, बट आई हैव टू सेल इट टू वेरियस हाउ, कि मेरे यहाँ पे रेगुलर जो कुरियर्स वगैरह भी आते हैं, सो दैट इज बीइंग टेकन बाय सम कुरियर फर्म सर्विसेज. तो वो मुझे एक टाइप का सर्विस दे रहे हैं. रेस्टोरेंट में जाते हैं, वी ईट द फूड, सो द वेटर व्हिच इज सर्विंग or which is serving you food in a type of service which is giving you. So this is the first characteristics of business, that business jo ek kaam hota hai, business ek sale or purchase of goods and services ka hota hai, jiske badle mein we got some of the this money, and that
either that goods are produced or either that goods are acquired. या तो manufacturer खुद produce करता है या फिर retailers होते हैं. Retailers means जो shopkeepers होते हैं, they buy the product from the company and they sell it to the ultimate consumers. Consumers कौन है? We are the consumer. We are the consumers, those who are eating, those who are consuming that product, either in any form, either we are eating or either we are using that product, that is called as consumers. Now, second point is sale or exchange of goods and services. Sale or exchange. Obviously, business is not done for the social services or from some charitable services. Aisa to nahi hai ki hum shop khol rahe hain and free we are selling. No, it is always sale and exchange of goods and services. Ki hamesha whenever you are getting a money, whenever you are getting a some amount for something exchange, and that exchange is nothing but a goods and services. So business ke andar it involve transfer, it involve exchange of goods and services for values. Cooking food at home for the family is not a business, but cooking food and selling it to others in a restaurant is a business. Yes, very rightly they have given the example ki cooking food at home, हम लोग खाना घर पर बना रहे हैं वो बिजनेस नहीं है, बट इफ वी आर सेलिंग दैट फूड इन द रेस्टोरेंट दैट विल बी बिजनेस. सो दिस इज योर सेकंड फीचर ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट इज डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस. डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस. यस, बिजनेस इज नेवर बीइंग टेकन फॉर अ वन डे और फ्यू डेज, इट इज फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. हम कोई भी काम जब करते हैं, कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्टअप करते हैं, तो नॉट दिस इज फॉर एन अ डे और टू, इट हैज टू बी इन अ कंटिन्यूटी फॉर नंबर ऑफ इयर्स. तो हमेशा जो होता है वो रेगुलर बेसिस पर होता है. ऐसा नहीं है कि आज मैंने ये काम किया तो कल मैं बंद करके कुछ और स्टार्टअप कर दू. नो, बिजनेस ऑलवेज इन्वॉल्व्स डीलिंग. डील करता है गुड्स एंड सर्विसेज पे ऑन रेगुलर बेसिस. देयर इज अ रेगुलरिटी इन बिजनेस दैट every day you are something selling and you are getting some money in return of that. One single transaction of sale or purchase into business, very important point, ek single transaction. It means agar aapne aaj koi particular type ka good becha hai apni shop, later on aapne koi bhi kaam nahi kiya hai and you close down business, so wo aapka sale purchase nahi kehlaya jayega. That will not be treated as sale or purchase. Sale and purchase will be considered only if they are being sold on regular basis. It means agar aap continuity mein apne businesses ko share karte ho bechte, so only then it will be constituted as business. Now another is being commerce student, this point everybody you will be getting everywhere, profit earning. Yes, no businessman can survive for longer period of time without profit. Now I'll give you a very simple example. ठीक है, अब हम मान लो ये I am having a shop of clothes. ठीक है, मैं रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, मैं क्लोथ्स बेचती हूँ. अब मैं शॉप पर बैठी हूँ तो मेरे यहाँ पे जो है मुझे उन्हें पैसे भी देने हैं, उनको सैलरीज भी देनी है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आ रहा है. From the wholesaler or manufacturer, जहां से मैंने क्लोथ्स खरीदे हैं उनको भी मुझे पेमेंट करनी है. दैट इज सो बेसिकली एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस मीन्स नेसेसरी एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जो आपको बिजनेस को चलाने नहीं देना पड़ता है. नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग. अब मान लो कि मैंने 20,000 रुपीज अर्न, उसमें से क्या 20 के 20 अगर मैं पूरे ही स्पेंड कर देती हूँ तो हाउ कुड आई रन माई फैमिली. So something which I keep into my pockets as my saving, that is basically called as profit. Profit means कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा की बचत करे और तो production को कम करे. कि मान लो सभी expenses मेरे निकालने के बाद 15,000 रुपीस का सारा खर्चा आया, जिसमें से मैंने सैलरी भी दे दी, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर दिया, मैंने होलसेलर्स को पे भी कर दिया, एंड आई लेफ्ट विद 5,000 रुपीस इन माई पॉकेट as it is my profit, it is my earning for my family. Aur isi profit mein se, isi paise mein se, 20,000 rupees mein se, I have to bear the expenses. Wahi expenses jo maine electricity bill mein use kiye, chahe maine salaries pay kari.
So businessmen make all possible effort to maximize profits by increasing the volume of sale or reducing the cost. देखो बेटा, अब आप कॉमर्स स्ट्रीम के साथ जुड़ गए हो तो ये टर्म्स कई जगह बार बार रिपीट, दैट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होने को कहा जाता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट कैसे होगा अगर मेरी मेरी शॉप है कपड़ों की, कैसे होगा? इधर तो मेरी सेल्स बहुत ज्यादा हो, कपड़े बहुत ज्यादा मार्केट में बिक रहे हो, so that will call us volume of sale. By increasing the volume of sale, मतलब सेल का वॉल्यूम बढ़ा दो, बहुत ज्यादा सेल्स इंक्रीज कर दो. या फिर दूसरा तरीका क्या है, रिड्यूसिंग द कॉस्ट. कॉस्ट मींस इनिशियली जो कपड़े मैं मार्केट में सेल आउट कर रही थी, दैट वाज समहाउ 500, और उसको बनाने की कीमत मुझे लगती थी 400 रुपीज, सो आई वाज अर्निंग 100 रुपीज प्रॉफिट. अब क्या हुआ कि मैंने बनाने की कीमत मेरी लगने लग गई 300 रुपीज और मेरा सेलिंग प्राइस रहा 500 रुपीज, सो नाउ आई हैव स्टार्टेड अर्निंग 200 रुपीज ऑन ईच पीस. सो दिस इज हाउ रिडक्शन इन कॉस्ट. कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बनाने की कीमत को कम करना, दैट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग द कॉस्ट. तो हर ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके होते हैं प्रॉफिट अर्निंग के, ईदर इंक्रीज योर सेल, या तो आप अपनी सेल्स को बहुत बढ़ाओ, मींस आप अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल करो. दूसरा तरीका होता है रिडक्शन इन योर कॉस्ट एंड देन इंक्रीजेस योर प्रॉफिट. सो दिस वाज द फोर्थ पॉइंट. मूविंग टू द नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. नाउ दिस इज क्रिटिकल बिकॉज फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, फ्यूचर इज अनसर्टेन, बिजनेस एनवायरमेंट इज डायनामिक, बाहर टेक्नोलॉजी का इनोवेशन, बहुत ज्यादा नई नई चीजें मार्केट में आती रहती हैं. वी आर नॉट श्योर दैट अमाउंट विच आर इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस विल गेट दैट मच ऑफ रिटर्न. आज आपने ये सोचकर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर दी कि इस टाइप का पर्टिकुलर पेन मार्केट में बहुत ज्यादा सेल होने वाला है, बट लेटर ऑन आफ्टर 2 months यू फाइंड आउट सम अनदर पेन विच इज बीन कम्पिटिटिंग टू योर पेन. इन दैट पर्टिकुलर केस यू आर नॉट श्योर जो रिटर्न, जो पैसा आपने लगाया जिस सोच से कि हाँ मुझे तो इतना प्रॉफिट मिलेगा, उसकी गारंटी नहीं होती बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन, मार्केट इज क्वाइट डायनामिक, हम इन चीजों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. अनसर्टेनिटी जिसको हम आका नहीं जा सकता, जिसको हम नहीं पहचान सकते कि हमें हमारे रिटर्न्स मीन कमाई, जो हमने पैसा लगाया है बदले में जो हमारे को रिटर्न आएगा वो श्योर नहीं है. लैक ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बिजनेस इज गोइंग टू अर्निंग अ गिवन पीरियड, और देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस बीइंग अकर्ड डिस्पाइट अ बेस्ट एफर्ट टू पुट इनटू द बिजनेस. बहुत लाख कोशिशों के बाद भी वी आर नॉट श्योर कि आज मैंने जो पेन की प्रोडक्शन, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया पेन का कि मैंने पेन की प्रोडक्शन करी है और ये सोच के कि ये पेन को मैं 100 रुपीज का मार्केट में सेल करूंगी एंड एवरीबडी विल गोइंग टू बाय, बट लेटर ऑन आफ्टर 2 months कि मार्केट में कोई ऐसा कॉम्पिटिटर आया और माय पेन इज नोवेयर इन यूज इन द मार्केट. सो दिस इज समथिंग कि मेरे रिटर्न्स की श्योरिटी नहीं है. एंड दिस टाइम अ वेरी गुड एग्जांपल इफ विल टेक ऑफ दिस कोरोना वायरस, बिकॉज लॉट ऑफ बिजनेसेस आर बीन सफर्ड. अब क्या हो रहा है, इस टाइम क्या हो रहा है, सबके बिजनेस मैन जिनके पापा का बिजनेस है, जिनकी कंपनीज है, जिनके इंस्टीट्यूशन है, जिनके एंटरप्राइजेस है, दे ऑल आर क्लोज डाउन. Nobody was aware. ठीक है, हो सकता है किसी ने बिजनेस में बहुत ज्यादा इस टाइम पैसा लगा रखा हो कि अगले 3 months में उन्होंने बहुत ज्यादा स्टॉक अपने यहाँ पर रखा हुआ है. स्टॉक मीन्स कि बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल खरीद के रखा हुआ है कि हाँ हमें नेक्स्ट 3 months में इतने सारे ऑर्डर्स देने थे. एंड ऑल बुलशिट इज शट डाउन बिकॉज ऑफ दिस वायरस. सो नोबडी इज नोन कि ऐसा क्यों हो सकता है, बिकॉज हमें नहीं पता इकोनॉमी में क्या होगा, हमें नहीं पता मार्केट में क्या होगा. Now, element of risk. Risk क्या होता है बेटा? Risk क्या होता है? Risk means जिससे हम थोड़ा सा हमें ध्यान रखकर चलना पड़ता है. Business में हमेशा risk होता है. Risk is something which is uncertainly, but it is associated with us. ठीक है? Uncertainty always assured exposure to loss. अब हमें नहीं पता कि हम लोगों ने जो investment कर रहे हैं आने वाले time में, that will be a favorable to us or unfavorable to us.
So it may be favorable, it may not be favorable. Element of risk. Risk means कि कोई नुकसान की गुंजाइश भी हमें दिख रही होती है कि हाँ ऐसा हो सकता है. क्यों? क्योंकि uncertainties are there, unpredictable things are there जिनको हम पहचाना नहीं जा सकते. So that is element of risk. So these are the characteristics of business. Business किस किस चीजों से बना है? That is production of goods and services, जिसमें गुड्स को खरीदा और बेचा जाता है. इनका एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है. रेगुलरिटी ऑफ बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू हैव प्रॉफिट अर्निंग एंड देन यू हैव अनसर्टेनिटी ऑफ योर रिटर्न्स, अनसर्टेनिटी ऑफ योर प्रॉफिट एंड देन एलिमेंट ऑफ रिस्क. समहाउ देयर इज अ एलिमेंट ऑफ रिस्क इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दैट. सो दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. Somehow, if some students are buying the old edition or somebody is buying the new edition, points, title, headings of these headings. Headings may differ into your book, but do not worry about. These are the common characteristics which you can take it into your consideration and can write it in down in your notebooks. ऐसा जरूरी नहीं है. One thing more important, which is now, beta, you are been in class 11th. You need to be somehow smart on your own. जरूरी नहीं है व्हाटएवर द थिंग्स आर बीन रिटन इनटू द बुक यू हैव टू स्टिक दैट. यूज योर ओन वोकैबुलरी, यूज योर ओन अंडरस्टैंडिंग, रीड आउट द बुक प्रॉपर्ली एंड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमन पॉइंट. अच्छा एक चीज और, आई डोंट नो अबाउट क्लास 10 दैट हाउ यू विल बी रिटन, बट अब आपको 11 12 बोर्ड क्लास के अंदर टाइटल देना, ये हेडिंग देना किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का इज वेरी इंपॉर्टेंट. And since beginning, I request you, all of you, to please develop a habit of this to write it down. And some of the students, if they are getting quite easily book from their colleagues or from your friends, that is easy. Otherwise, you can take a website help and you can download these business points. Do not get under this pressure that I am gonna miss these things. कि और मेरे पास books नहीं थी या ये नहीं था या वो नहीं था. So be little smart. Everything is available on the websites too. So you can have a touch, but अगर book मिल जाती है तो ठीक है, otherwise you can request to your friends. If somebody, even अगर आपके किसी student के पास है भी सही, so that particular person or your friend can share the images of and you can read out and you can note it down from there. Otherwise, daily I am sharing these notes, so you can write it down from there only. Okay? So thank you.